हमारे अभिभावक थे जब हम युवा संगठन करते थे, इनके पापा के साथ बैठते थे। अभी वो जिंदा भी है, हमारी वार्तालाप दुर्भाग्य को भी परसों हुआ है और हम लोग एक साथ इस कमिश्नरी में कई बार संघर्ष में साथ रहे हैं। ऐसे खिला हुआ फूल डॉक्टर आर के रवि सर्जन के नाम से एक बार जोरदार तालियां हो। और मैं चाहूंगा कि आज विश्वकर्मा का ये पांचों पुत्र जो है, आज जैसा कि बार बार चर्चा हुआ, लौहकार, गर्भकार, ताम्रकार, शिल्पकार और स्वर्णकार, इस मंच पर ये पहली मंच है। मुझे लगता है कि आज इसमें डॉक्टर साहब भी आए हैं, इसलिए डॉक्टर आर के रवि साहब दो शब्द करेंगे आपके बीच में। धन्यवाद। सब मिलकर उनको संगठित करना है और आगे बढ़ाना है, और उसमें हम लोगों की जो सहयोग होना चाहिए, कुछ सब आदमी उसमें लग नहीं सकते हैं और सब उसमें ये हो, तो हम लोग उसमें जो सहयोग हो सके, जो आर्थिक हो या जो उसमें हम लोग का सहयोग, जो आगे बढ़ रहे हैं उसको बढ़ाना है और वो आगे कैसे बढ़े इस पर विचार करना है। और उसमें हम लोग का जो सहयोग होना चाहिए वो हम लोग करें और आगे बढ़े, हम लोग मसला को और बुलंद करना है। और हम लोग सब एक सूत्र में, एकता में बंध के रहेंगे, हमारा समाज जरूर आगे बढ़ेगा इसी विश्वास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात सत्य है कि जितने डॉक्टर हमारे शहर के बीच में है वो तो पूरे पूरे नहीं आए, लेकिन जो आए हम लोग के मनोबल को बढ़ाने के लिए आए हैं। निश्चित आज का ये दिन तारीख के काबिल है। मैं इसी कड़ी में चाहूंगा कि सिविल कोर्ट सहरसा के अधिवक्ता हमारे किशोर कुमार जी हमारे बीच आएंगे, इनके नाम से जोरदार ताली हो जाए। तो बिना छात्र का हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं।